का स्वागत है आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। आज का वीडियो बायोलॉजी के चैप्टर 2 कोशिका से है, जो कि सारे कोशिका से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चन को एमसीक्यू रूप में तैयार करके यहाँ अपलोड किया जा रहा है, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना हो है। यदि आप कोई भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो हमारे वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इस चैनल से जुड़े रहो दोस्तों, हमारे सारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों को भी बताओ कि ऐसा चैनल है जो सारे कवर करा रहा है, ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलो हम अपने वीडियो को लंबा ना करते हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, जो कि चैप्टर 2 से है बायोलॉजी के कोशिका सेल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे हम आपको बताऊंगी। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। मतलब कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो वो आपका अंतःप्रद्रव्यीय जालिका होता है। कौन होता है? अंतःप्रद्रव्यीय जालिका होता है, जो कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। मतलब किस कोशिकांग को कोशिका की प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है, तो वो आपका उसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सारे इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो ये सारे एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। ओनली पशु कोशिका में, केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, तो वो आपका गोल्जी बॉड ए और सी दोनों है। मतलब कि लाइसोसोम सेंट्रोसोम दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। मतलब चार दिया हो जिसमें सत्य नहीं है को चुनना है, तो यहाँ पे देख सकते हो अर्धसूत्रण के दो चरणों में होते हैं, जो कि सही है। अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोष के जीन परिणामी कोशिका में मिश्रित हो जाती है, ये भी सही है। जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है, ये भी सही है। जबकि ये गई यहाँ पे देखोगे गलत है, जो कि दिया हुआ अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी होती, जो कि बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट कोशिका क्वेश्चन में देखते हैं, जो कोशिका से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिक। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो वह है कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई आपका कोशिका हो जाता है। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी होती है, तो ये आपका न्यूरॉन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यदि पूछा जाएगा तो आपका न्यूरॉन होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो वहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है, तो वो आपका जल है, जो कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कहा जाए, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है, तो वो हो गया आपका विषाणु पर, जबकि कोशिका सिद्धांत जीवाणु पे, शैवाल पे और कवक पे भी लागू होता है। 67th बीपीएससी प्री एग्जाम में भी आ चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे इसके क्वेश्चन विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणुओं से बना होता है, जो कि बिल्कुल सही है। वहीं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, जो देखते हैं, कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन होता है, तो वो हमारे केंद्रक हो गया। वहीं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इम्पोर्टेंट है, जो ग्रुप डी में पूछा जा चुका है, तो पौधा में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, तो ये सेलुलोज इम्पोर्टेंट है। पौधा में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, तो सेलुलोज। वहीं नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में।
यदि पूछा जाए नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिका अंग में डीएनए होता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो गया केवल समसूत्रण सेल का। वहीं यदि क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए तो यहाँ जोड़े में मिलाया हुआ है जो कि देखना है कौन सही है कौन गलत है, तो यहाँ दिया हुआ है कोशिका भित्ति जो सूत्र कणिका से होती है। नेक्स्ट है एटीपी जो है कोशिका भित्ति है पौधे की कोशिका से वही एटीपी है सूत्र कणिका से। नेक्स्ट है मिलान करने वाला है, इसमें ये फायदा होता है मिलान करने में, एक करोगे दो तीन ऐसे ही, एक दो नहीं भी पता रहता तो मिल जाता है। तो यहाँ पे बात की जाए क्वेश्चन नंबर 16 की, जो कि देखोगे लाइसोसोम को आयत हत्या की थैली कहा जाता है। वहीं बात की जाए डीएनए को गुणसूत्र होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका पावर हाउस हो जाएगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, डीएनए गुणसूत्र। वहीं साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं 46, ये इम्पोर्टेंट है साधारण मानव में, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है मानव शरीर की कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़े मतलब कि 46। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है, तो उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से किसकी में लिंग गुणसूत्र नहीं होते, तो छिपकली में नहीं होते हैं, बंदर में होता है, चीता में होता है, तितली में होता है, जबकि छिपकली में नहीं होता। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, तो वो कोशिका भित्ति के कारण, क्यों कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थिति होती है, जो जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थिति होती है, तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति अब्सेंट होता है जंतु कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति का। वहीं जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी प्री में भी आ चुका है। यदि पावर हाउस बोला जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात की कही जा रही है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर है। नेक्स्ट में भी देखो यहाँ पे भी पावर हाउस की चर्चा की गई कोशिका अंग में कोशिका का, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रहने वाले हैं। फिर सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताया जिसके दौरान विभाजित सेल के गुण सूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, तो वो मेटाफेज। सूत्री विभाजन के चरण का नाम जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र के मध्य रेखा पर स्थित होता है मेटाफेज। वही क्वेश्चन नंबर 6 है पौधा में पाया जाने वाला नीला बैगनी लाल फ्लेवोनोइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो वो आपका एंथोसाइनिन, लाल बैगनी लाल ये तीनों होता है एंथोसाइनिन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है एवं किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो वो हो गया हमारे क्लोरोप्लास्ट। कौन हो गया क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है, जहाँ हरा किया आ गया तो क्लोरोफिल। वही क्वेश्चन नंबर 29, प्रोटीन संश्लेषण निम्न में से कोशिकाओं के सेलों में किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है, तो अंतद्रव्य जालिका और राइबोसोम का। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों सेल में किनकी भूमिका सबसे अधिक होती है, तो अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम। वहीं क्वेश्चन नंबर 30 की बात की जाए, सारे क्वेश्चन यहाँ इम्पोर्टेंट है भाई। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है, तो वो आपका प्रोटीन से और लिपिड से। प्लाज्मा झिल्ली की बात की जाए तो ये आपका प्रोटीन से और लिपिड से बनी होती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका पाव बनती है, लसिका कोशिका तिल्ली
वही अस्तम कोशिका में क्षेत्र के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके सही हैं, तो चलो उनके ओर चलते हैं। बीच पुट्टी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तब कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है, जो कि सही है। वहीं अस्तम कोशिका बीज पुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है, ये भी सही है। अस्तम कोशिका वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं पात्र संजीवित हो जाती है, सही है। भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया, जिन्हें कई प्रकार के उत्कों को विकसित किया जा सकता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिका के चैप्टर से, जो कि बीपीएससी प्री 2018 में पूछ चुका है और आगे भी आएंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं का प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य को चुनना है, सत्य तो चुन सकते हो, सत्य को थोड़ा डिफिकल्ट होता। तो यहाँ चलो देखते हैं। फर्स्ट में, ये प्राणियों के जीवन भर स्वयं घूर्णन करती है, सही है। ये अंग के क्षतिग्रस्त उत्कों की मरम्मत करती है, सही है। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखता है, सही है। मतलब ये गलत है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु प्रोग्राम्ड सेल डेथ की कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण को कहते हैं एपोप्टोसिस। वही कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका शब्द का सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने। वही कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती, तो पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती, तो पादप कोशिका में। फिर जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन है, प्रोटीन। जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन है, प्रोटीन। वहीं बोला जाए तारकव्य की खोज, जो कि बोवेरी ने किया था, बोवेरी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था, तो जी पेलेंड। सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था, जी ई पैलेंड ने। यदि क्वेश्चन नंबर 40 की बात की जाए कि माइटोकॉन्ड्रियम कितने आवरण से घिरी होती, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया होती, तो हमारे दो आवरण से घिरी होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 41 की बात की जाए, मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहा जाता है, गोल्जी कॉय को। फिर क्वेश्चन नंबर 42, अंतःपरद्रव्य जलिका की खोज किसने किया था, के आर पोर्टर। हैरी पोर्टर में समझ जाना, ये अलग है। खोज किए थे अंतःपरद्रव्य जलिका को के आर पोर्टर। कोशिका का ऊर्जा गृह कहे जाने का माइटोकॉन्ड्रिया सर्वप्रथम किसने कहा था, सी बेंडा ने। वहीं समसूत्री विभाजन किसने किया था, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है, यहाँ पे देख रहे हो कि बीपीएससी का भी क्वेश्चन 2005 में किया गया और अभी भी किया जा रहा है। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो ये आपका जीनोम है। वहीं कोशिका की रसोई घर, फिर से ये क्वेश्चन आ गया, कोशिका की रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी नॉल तथा रुष्का ने। वहीं सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए, तो हमारे माइकोप्लाज्मा से ही समझ रहे हो कि सबसे छोटी कोशिका। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे, तो कोशिका का कौन सा कार्य नहीं होगा, भोजन का ऑक्सीकरण। वहीं फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, तो ये तो सबको पता होगा। फूल और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग, जो कलरफुल होते हैं, क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। ये फूल और बीज की बात कह रहा है। वहीं यदि पत्तियों का हरा रंग का बोला जाए, तो ये क्लोरोप्लास्ट होगा, क्या, क्लोरोप्लास्ट। फूल और रंग का बोला जाएगा, तो ध्यान से देखो, फूल और बीज का बोला जाए तो क्रोमोप्लास्ट, वही पत्तियों का हरा रंग पूछा जाए तो क्लोरोप्लास्ट। आज की वीडियो की, जो कि कोशिका का वीडियो चल रहा था, उसका लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, जो यहाँ पे दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइम संग्रहार की तरह कार्य करता है, तो लाइसोसोम।
पाचक एंजाइम के संग्रहार की तरकार करता लाइसोसोम। तो आज कोशिका से के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में 52 क्वेश्चन था। जैसा कि मैंने बोला था कि बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन किया जा रहा है, तो मैं बायोलॉजी का सारा एमसीक्यू क्वेश्चन लाऊंगी यहाँ पे, जो कि सारे को एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे कोशिका से संबंधित सारे क्वेश्चन जैसा मैंने बोला था वैसा लाई हूँ। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। थैंक यू दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो। थैंक यू।